टोटल 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, इनमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियो बनाई है, हमारे इसी चैनल पे आपको वो सब वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छी बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटी ने AICTE ले रखा है और साथ में ही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पैरा मेडिकल काउंसिल में भी अपने आप को एनरोल करा लेती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई हैं और सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया है, यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कोर्सेज कौन कौन चलते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, कैसे कंपेयर करें यूनिवर्सिटीज को। जैसा हमेशा से हम आपको बोलते हैं, जब भी आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी को उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज से कंपेयर जरूर करें। ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हो सकता है कि एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना पड़े। जितने भी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, टोटल 41 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं UGC की साइट पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा अभी अपनी इस वीडियो में आपको। उसी में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है AKS यूनिवर्सिटी। AKS यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या तो अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी ये चलाती है, UGC पर कहाँ रैंक करती है, यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, साथ में कौन सी अदर यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे आपको इस यूनिवर्सिटी से कंपेयर करना चाहिए, और साथ में ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या बोलती है। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है AKS यूनिवर्सिटी को लेकर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही कुछ भी जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो लेकर आते हैं और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी पर आपने सजेशंस दिए होते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए AKS यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, AKS यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप कुछ इतना समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है 2011 में। 2011 में यूनिवर्सिटी बनती है, सामने आती है, एडमिशन लेना शुरू करती है। जो यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब है वो है BP सोनी। ये यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब है। सतना मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 41 में से एक यूनिवर्सिटी ये भी है, राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो ग्रुप है पूरा ये उन्हीं की यूनिवर्सिटी है। AKS यूनिवर्सिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ द राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसी की यूनिवर्सिटी है ये। 2011 में यूनिवर्सिटी बनी है। यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानने से पहले तो आप यूनिवर्सिटी को पहले चेक करें UGC पर, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का UGC पर कोई अस्तित्व नहीं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं। यूनिवर्सिटी का UGC पर लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करता है वो करता है UGC। सभी यूनिवर्सिटीज का UGC पर लिस्ट होना जरूरी है। जिन जिन यूनिवर्सिटीज का नाम है UGC की लिस्ट पर वो सभी रिकॉग्नाइज हैं, बाकी सब यूनिवर्सिटीज ऐसे ही हैं। फेक यूनिवर्सिटी कितनी है, कौन कौन चलती हैं, उनके बारे में भी डिटेल वीडियो हमने हालांकि बनाई है और UGC की साइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे आप चेक करेंगे UGC पर इस यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले आप जाइए और टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे आप ये सब टाइप करेंगे www.ugc.ac.in, इंटरफेस से खुलेगा UGC ग्रांट्स कमीशन का। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज, मतलब फिफ्थ टैब में आप देखोगे यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज पर जाकर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्लिक करने के बाद में टोटल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के नाम यहाँ पर खुल जाएंगे। टोटल 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, इनमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियो बनाई है, हमारे इसी चैनल पे आपको वो सब वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर है AKS यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये पहली रैंकिंग नहीं है, अभी आप पहली रैंकिंग समझ लो आप इसको, पहली रैंकिंग नहीं है। अल्फाबेटिकली जैसे जैसे सीरीज में नंबर आते गए वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज के लोग डालते गए। AKS यूनिवर्सिटी जो कि बनी 2011 में, 31/12/2011, इसीलिए लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी 2012 में आई है, पर यूनिवर्सिटी 11 में ही आ गई है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, हालांकि यहाँ UGC पर मेंशन नहीं किया गया है, पर मोर डिटेल पे आप क्लिक करें। जैसे ही मोर डिटेल पे आप क्लिक करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में, हालांकि डिटेल्स यहाँ पे जीरो है, मेंशन नहीं है, साथ में ही VC इन्फॉर्मेशन, वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी का यहाँ पर फोन नंबर डाला हुआ है, मेल ID भी मेंशन है, साथ में रजिस्ट्रार साहब है डॉक्टर SR त्रिपाठी, इनका भी फोन नंबर है, इनकी मेल ID यहाँ पर अपडेट है।
चाहें तो आप सीधा इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है या कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, आप सीधा इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपकी इसमें मदद जरूर करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जल्दबाजी में एडमिशन लेते हैं, किसी ने बोला और एडमिशन ले लिया, ये गलती आप बिल्कुल ना किया कीजिए। आसपास और जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें, यूनिवर्सिटी विजिट करें, कैंपस को देखें, हॉस्टल में आप जाएं, देखें स्टूडेंट्स रह रहे हैं किस तरह से वहां रह रहे हैं। हो सकता है आप दूर दराज से आए हो, दूसरे स्टेट से आए हो, जाएं फैकल्टी मेंबर से मिले जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो। मान लीजिए LLB करना है आपको तो LLB क्लास में जाइए, देखिए स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए, फैकल्टी मेंबर से मिलिए, मूट कोर्ट को जाकर देखिए। ये सब चीजें आप देखने के बाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी एडमिशन लें किसी भी यूनिवर्सिटी में। लुभावने जो एडवर्टीजमेंट्स यूनिवर्सिटी के होते हैं उनको देखकर कभी भी आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को बहुत जल्द हम विजिट करेंगे, जाने के बाद इंटरव्यू करेंगे यूनिवर्सिटी का और फिर आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी कैसी है, दिखाएंगे आपको लाइव पिक्चर्स यूनिवर्सिटी की। और साथ में ही बहुत जल्दी जब भी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस हमारे पास आएगा 2022 का या 23 का, जब भी प्रोस्पेक्टस हमारे पास आएगा हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के साथ कौन कौन से और नए अप्रूवल्स जुड़े हैं जो पहले नहीं थे। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स है पहले आप अप्रूवल्स जान लीजिए, अप्रूवल जानने के बाद में आप कोर्सेज को और बेहतर समझ पाएंगे, पर कोर्सेज का जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, अप्रूवल जानने के लिए पहले आप समझिए कि यूनिवर्सिटी के पास UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, उसके बिना तो यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती। साथ में यूनिवर्सिटी के पास जो एक सतना मतलब गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी एक प्रपोजल जब देती है यूनिवर्सिटी वहां से अप्रूवल मिलता है, वो आप जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। UGC का अप्रूवल है, साथ में अप्रूव्ड बाय AICTE। दोस्तों मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं कहूंगा बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अच्छी बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटी ने AICTE ले रखा है और साथ में ही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पैरामेडिकल काउंसिल में भी अपने आप को एनरोल करा लेती है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं कई सारी वैकेंसीज में लिखा हुआ आ जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं AICTE पास मतलब कोर्स होना चाहिए तभी वो लोग वैकेंसी के लिए ये देते हैं, पर ऐसा है नहीं। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं। यूनिवर्सिटी के पास आईकर का भी अप्रूवल है, जैसे आपको BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर करना है तो उसकी जरूरत पड़ती है। NCT का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, मतलब BEd करवाती है यूनिवर्सिटी, DLED करवाती है। साथ में यूनिवर्सिटी के पास PCI का अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। आपको यूनिवर्सिटी से करना है बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, उसका यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया हुआ है। तो ऐसे कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास हैं जिनको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके देख सकते हैं। बट हम बात करें यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं, कोर्सेज बहुत जरूरी है आपको जानना। कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने अभी आपको बताया एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया हुआ है तो ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा सकती है। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, BA कीजिए MA कीजिए इस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी करवाती है। कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज, दोस्तों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ना लो वो तो आपकी चॉइस है, बट मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी को आप बहुत अच्छे से पहले टटोल लें, ऐसे ही एडमिशन मत लेना, बस आप जाएं और यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देखें एडमिशन लें, ये गलती मत करना। आसपास की यूनिवर्सिटीज से यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर करना। कोई भी किसी भी तरह की मदद आप चाहते हैं हमें व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो भी हम रिप्लाई कर देंगे। यूनिवर्सिटी के पास साथ में फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि यूनिवर्सिटी में आप बी फार्मी डी फार्मेसी करने के लिए या फिर आप डिप्लोमा बीटेक एमटेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। एजुकेशन में जो DLED और BEd मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT साइंसेज, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्टडीज, बेसिक साइंसेज, ऐसे कुछ जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी सारे करवाती है इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ LLB आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में AKS यूनिवर्सिटी को लेकर, आप अपने सवालों को जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं जरूर बताना, हम उस पर भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत जल्दी विजिट करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आप बाकी सवाल पूछें, हम उस विजिट में उन सब डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें जो भी आते हैं एजुकेशन की दुनिया में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।